हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज का जो टॉपिक है वीडियो का, वो तो आपने थंबनेल और टाइटल देख के गेस कर लिया होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरी लाइफ का काफ़ी सेंसिटिव और इमोशनल टॉपिक है। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत पहले भी बोला गया था, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया ही था कई सब्सक्राइबर ने, बट उस टाइम पे मेरा इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था यूट्यूब पे, इसलिए मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई थी। और जब इन्वॉल्वमेंट हुई यूट्यूब पर, तो तब तक मैं सेकेंड टाइम प्रेगनेंट हो गई। तो फिर मुझे ये था कि अब पुरानी डिलीवरी स्टोरी क्या सुनाना, सीधे नया डिलीवरी ब्लॉग ही शूट करेंगे। बट अभी मैं क्यों इस चीज़ को बता रही हूँ, उसका रीज़न आप सभी हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप इतने छोटे बच्चे के साथ कैसे मैनेज करोगे, आप वहाँ अकेले कैसे मैनेज करोगे, आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है। मतलब ये इस तरह के कई क्वेश्चन मेरे को आ रहे हैं, जिसका आंसर मैं दे भी रही हूँ। बट क्या हो रहा है कि मैं खुद भी उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन हो, क्योंकि वो बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है कि मैं कैसे बताऊँ कि क्यों मैं इतनी पॉजिटिव हो रखी हूँ, क्यों मैं इतनी काम हो रखी हूँ। हर एक चीज़ें मतलब मैं तभी बता पाऊँगी जब आप मेरी ये स्टोरी सुनोगे, तो आपको फिर पता चल जाएगा कि हाँ, क्यों मैं इस चीज़ को इतनी नॉर्मली ले रही हूँ, और मतलब क्यों ऐसा हो रहा है कि हाँ लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। तो वही चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डिलीवरी स्टोरी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं क्यों इतनी पॉजिटिव हो रखी हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जब मैं मेरे यहाँ पे डिलीवरी हुई थी, तो उस टाइम पे मेरे को यहाँ टर्की में आए हुए सिर्फ 4 मंथ हुए थे। और 4 मंथ का मतलब आपको पता है कि मतलब नया हर एक चीज़ें नई थी, नई कंट्री, नए लोग, नई लैंग्वेज, हर चीज़ें मतलब सब कुछ मतलब एकदम से सडनली चेंज हो गया था। तो काफ़ी दिक्कतें हुई थी, और लैंग्वेज समझने में, बोलने में बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं आता था। सिर्फ इतना आता था कि हेलो कैसे बोलना है किसी को, हालचाल कैसे पूछना है, और मैं ठीक हूँ, बस इतना आता था। और एक चीज़ मैंने और सीखी थी रात से, मैंने राज को कहा था कि क्योंकि यहाँ के लोग टर्किश में जब बात करते थे मुझे नहीं समझ आता था, तो मैंने राज को बोला था कि मुझे ये वर्ड समझा दो कि अगर मुझे कोई मेरे से बात करे, मैं उन्हें कैसे बोलूँ कि मुझे नहीं समझ आता था। वो चीज़ राज ने मुझे समझाया था। तो बस ये 4 वर्ड थे जो मुझे आते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 15 अगस्त की मेरी डिलीवरी डेट थी, बट मेरे को किसी तरह का पेन नहीं हुआ था, कुछ नहीं हो रहा था। तो 15 अगस्त तक मैं वेट कर रही थी कि हाँ मेरे को पेन हो, क्योंकि मैं बस इसी चीज़ पे वीडियो देखती रहती थी, अच्छा पेन होता है तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मतलब उसी तरीके से मैंने अपने आप को तैयार रखा हुआ था। मतलब बिल्कुल भी माइंड में नहीं था कि हाँ मुझे पेन नहीं होगा। फिर 16 को हम चेकअप करने गए, क्योंकि जब चेकअप करने गए तो मतलब उस दिन भी मैं बिल्कुल वैसे गई, मतलब खुले बाल, जीन्स पहन के गई थी, क्योंकि मेरा टमी बहुत कम था कियारा के टाइम पे। मैं फ़ोटो लगा लूँगी स्क्रीनशॉट की, मतलब 9वें महीने में मतलब बिल्कुल भी पता नहीं चलता था कि हाँ मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। तो मतलब मैंने पूरी प्रेगनेंसी में जीन्स वगैरह, मतलब हर तरीके कपड़े वेयर करे। तो जब गई मैं वहाँ, तो जो डॉक्टर था हमारे, मैं उनके पास गई, तो उन्होंने मतलब अल्ट्रासाउंड किया, और उन्होंने मेरे को बोला कि डेट जा चुकी है। और मतलब उन्होंने मेरे को एक वो दिया, क्योंकि वहाँ मैं अंदर अकेले ही जाती थी, तो उसने बोला भी होगा कि एडमिट वगैरह मुझे समझ तो आया ही नहीं, बस उसने मेरे को एक रिसिप्ट दी कि सेकंड फ्लोर में जाओ। तो मैंने राज को बोला कि वो कह रहे कि सेकंड फ्लोर में जाओ। तो फिर हम उनके पास गए, वहाँ गए तो जो नर्स वगैरह थी उन्होंने मुझे एक डॉक्टर के पास भेजा। फिर वहाँ जब गए तब तक मतलब मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, मुझे नहीं था पता कि आगे क्या क्या होने वाला है मेरे साथ, बड़ी मतलब अच्छे से कि हाँ ठीक है। जब वहाँ गई तो वहाँ सबसे पहले डॉक्टर जो थे वो मतलब प्राइवेट पार्ट में कुछ चेकअप करते हैं, जो कि बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। मतलब उसी में मैंने हिम्मत हार ली थी, मेरा रो रो के बुरा हाल। और फिर उसने मुझे बोला कि वो इंग्लिश में बात कर रहा था कि तुम्हें आज एडमिट होना है यहाँ पे, बट मुझे मतलब इतना डर गई थी मैं उस चीज़ से कि मैंने उनको बोला कि मैं कोई भी तैयारी करके नहीं आई। तो उन्होंने बोला किस तरह की तैयारी, मैंने बोला मेरे पास कपड़े वगैरह कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि कपड़े वगैरह तुम्हें यहीं से प्रोवाइड होंगे। मतलब मैं भागना चाह रही थी वहाँ से, बट उन्होंने मेरे को वो ऑप्शन भी बंद कर दिया। फिर जब मैं बाहर गई तब तक राज मतलब सारा जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होते हैं वो कर रहे थे, क्योंकि एमरजेंसी में भेजा था डॉक्टर ने हमें। तो राज सारी फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे पूरी कर रहे थे। तो जैसे मैं बाहर गई, मैं रोते रोते ही गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल था, तो मैं रो रही। तो राज को उन्होंने बोला कि मतलब जो भी ज्वेलरी वगैरह है वो सारी ज्वेलरी निकालो, क्योंकि वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, बट इन केस
सिचुएशन अगर कुछ होगी तो फिर सिजेरियन भी करना पड़ सकता है। तो मैं, राज ने कहा कि वो ज्वेलरी निकालने के लिए कह रहे, तो मैं ज्वेलरी भी निकाल रही और रोते रोते बोली कि चलो निकलते हैं यहाँ से, रहने दो, जब पेन होगा तभी आएंगे। नर्स वगैरह भी हमें देख रही कि क्या बोल रहे हैं आपस में और ये इतना रो क्यों रहे। फिर राज भी कह रहे कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ आ गए और कल के दिन कुछ दिक्कत होगी तो फिर तो ये हमें यहाँ एडमिट भी नहीं करेगी कि उस दिन तो तुम घर चले गए थे। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करती रही राज को कि घर चलते घर चलते, बट राज भी मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो फाइनली मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह सारी चीज़ें निकाली, इवन उन्होंने नोज पिन तक निकलवाई मेरे से, उन्होंने कहा कि ये भी निकालो। और ये इस तरह से थी, मतलब उस टाइम मेरा दूसरा वाला था वो निकली नहीं थी, तो मतलब रो रो के मैंने ऐसे जब निकाला तो वो पूरे मतलब यहाँ से निकल गई थी, मेरे नाक से खून भी आने लग गया था। तो उसके बाद फिर मैं अंदर चली गई और फ़ोन वगैरह राज को दे दिया, और राज को उन्होंने बोला, राज ने बोला कितना टाइम लगेगा, तो राज को उन्होंने बोला कि मतलब टाइम लगेगा, मतलब दिन का तो उन्होंने बताया नहीं था। सुबह 11 बजे मैं गई, एडमिट हुई थी, तो उन्होंने बोला कि रात भी हो सकती है और कल सुबह तक भी डिलीवरी हो सकती है। तो जैसे मैं अंदर गई तो वहाँ आई थिंक 3-4 थे जो जिनको मतलब इसी तरह के आर्टिफिशियल पेन दिया जा रहा था। तो वहाँ पे पहले वो मतलब कुछ दवाई ऐसी डालते हैं जिससे पेट पूरा साफ हो जाए, उसके बाद वो उन्होंने यहाँ पे मतलब जो ड्रिप चढ़ानी होती है ना, तो उसके लिए मतलब उन्होंने यहाँ पे चढ़ाया, मतलब हालांकि मेरे को ना कोई ब्लड वगैरह की ज़रूरत पड़ी ना ग्लूकोज, बट वो पहले से ही उस चीज़ को मतलब सुई जो ऐसी होती है ना उसे लगा लेते हैं, तो उन्होंने वो लगाया। तो धीरे धीरे समझ आने वाला था कि अब बस इन्हीं दर्द से मुझे गुजरना है, क्योंकि हर जगह से दर्द स्टार्ट हो गया था। तो और उसके बाद उन्होंने जो आई थिंक एपिड्यूरल उसे कहते हैं वो मतलब आर्टिफिशियल पेन मुझे दिया और मुझे लिटा दिया और पेट पे एनएसटी का जो बेल्ट है वो लगा दी। तो फिर मतलब और सामने ही मेरे घड़ी थी, मैं घड़ी को देखे जा रही और मतलब सोचे जा रही कि कब कितना टाइम लगेगा ऐसे ऐसे। और मुझे मतलब आई थिंक आधे घंटे बाद पेन स्टार्ट होने लग गया था पेट में, पर मतलब इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था कि जिसे मैं मतलब टॉलरेट ना कर पाऊँ। पेन हो रहा था, अगल बगल वाले बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, तो उससे मेरे को और ज़्यादा डर लग रहा, क्योंकि मुझे ये था कि ये मेरे से पहले से ही हैं और जो पेन मुझे हो रहा था वो भी बहुत ज़्यादा पेनफुल था। बट मैं सोच रही थी कि जब इस पेन जितना पेन इनको हो रहा है, पता नहीं उस पेन तक मैं सहन कर पाऊँगी भी कि नहीं, यही चीज़ें माइंड में चल रही। मम्मी औरों को बोली कि उन्होंने तो कहा था कि इतना पेन नहीं होता है, बट मुझे तो हो रहा है, ये सारी चीज़ें मतलब माइंड में आ रही। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लैंग्वेज की, मैंने कहा था मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आती थी, और मतलब बस ये चीज़ है हम इंडियंस लोगों की, मैं इस चीज़ में मानती हूँ कि हमें ये क्वालिटी है कि क्योंकि हमारे इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेज है, हर स्टेट में अलग लैंग्वेज है, तो हमें इतना पता चल जाता है कि सामने वाले के इशारे या बात करने का तरीका हमें समझ आ जाता है कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसे मतलब ऐसा लगता है जैसे बेवकूफ़ लोग होंगे, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि हम क्या बोलें, क्योंकि गलती इनकी भी नहीं है, इन्होंने शुरू से लेकर अभी तक एक ही लैंग्वेज, हर जगह एक ही लैंग्वेज का यूज़ करते, तो उन्हें क्या समझेंगे वो। तो वो जो चीज़ें बातें कर रहे थे मुझे समझ तो आ रही थी, बट वो मेरी कुछ भी चीज़ें नहीं समझ रहे थे, ना वो ये लोग इशारे समझते हैं ना कुछ। तो फिर जब उन्हें पता चला कि मैं इंडिया से हूँ, हिंदुस्तान कहते हैं यहाँ पे, तो मतलब नर्सेज बहुत अच्छी थी, ये चीज़ मैं मानती हूँ, नर्स वगैरह बहुत अच्छी थी, वो बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे, मेरे को पैम्पर कर रहे थे। तो मतलब कभी इंडियन डांस करे कि तुम्हारे इंडिया में तो ऐसे ऐसे डांस होते हैं ये चीज़ें, तो मतलब माहौल बिल्कुल अच्छा बना रखा था उन्होंने और मतलब प्रॉपर केयर कर रहे थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे पेन ज़्यादा होने लग गया, तो मतलब मम्मी और उन्होंने जो बताया था कि जो नेचुरल पेन होता है वो ऐसा होता है कि मतलब पेट पे होता है, फिर पीठ तक जाता है, फिर उसके बाद 5-10 मिनट का रेस्ट मिलता है, बट जो आर्टिफिशियल पेन के द्वारा जो पेन दिया जाता है वो कंटिन्यू होता है, मतलब वो बिल्कुल भी रेस्ट का टाइम नहीं मिलता, जितने घंटे पे होगा कंटिन्यू होगा। तो वही पेन हो रहा था मेरे को, तो लेकिन मैं चुप इस वजह से थी, मन तो मेरा भी कर रहा था चिल्लाने का, लेकिन मुझे बस यही हो रहा था कि यार अगर मैं अभी से चिल्लाने लगी तो जब मैं ऐसे स्टेज में आऊँगी जिस स्टेज में जो मेरे अगल बगल वाले, तो उस टाइम पे क्या होगा। तो फिर जब नर्स आ रही वो देख रही कि ये चुपचाप हो रखी है, तो वो मेरे को पूछ रही कि तेरे को पेन हो रहा है, तो मैं कह रही हाँ हो रहा है, लेकिन उन्हें ये लग रहा था कि इसे समझ नहीं आ रहा, और वो मतलब ये था कि इसे ये कन्फ्यूज़ हो रखी है, इसे नहीं पता चल रहा, इसे दोबारा पेन देना पड़ेगा क्योंकि
इतनी चुप कैसे हो रखी है यार। मैं सिर्फ डर के मारे चुप थी कि हाँ अभी से नहीं चिल्लाऊंगी, थोड़ी बाद में चिल्लाऊंगी, तो ये चीज़ थी। फिर जो मेरे अगल बगल एक थी लेडीज़, वो बेचारी खुद भी बहुत पेन में थी, लेकिन उसे मेरे को देख के तरस आ रहा था कि इसको समझ नहीं आ रही लैंग्वेज। उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, तो वो मुझे समझा रही कि ऐसी ब्रीथ ले और ये चीज़ें कर वो चीज़ें कर, वो मेरे को बोल रही थी। और मैं तो डर के मारे खड़ी भी नहीं उठ रही थी इधर उधर जाने के लिए। मेरा बस पेट में वो लगा रखा था एनएसटी कर, मैं ऐसे ही बस ना हिल रही ना कुछ, मतलब एकदम डर सा लग रहा कि एक तो कि कहीं ये लोग मुझे डांटे ना, या मतलब इस तरीके का था। फिर उसके बाद क्या हुआ, नर्स तीसरी बार आई मेरे पास, उसे लगा कि ये बिल्कुल भी कुछ कर नहीं रही है और शायद जो मैं इसे पूछ रही हूँ इससे समझ नहीं आ रहा है। तो उसने फिर मतलब चेकअप किया, तो उसे मतलब फिर उसने मेरे को मतलब इस तरह से थम्सअप किया, कहते प्रोसेस सही है तेरा, ठीक है। उसके बाद पेन बहुत ज़्यादा ज़्यादा होने लग गया, बहुत ज़्यादा ज़्यादा होने लग गया। और फिर मैं मतलब ऐसे डर गई कि मुझे ये लगा कि शायद मैं अब पेन नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी। हालांकि इतना नहीं हो रहा था, पर मतलब मुझे ये लगा था कि जो आगे होने वाला पेन है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने बोला कि मुझे सिजेरियन कराना है, मुझे सिजेरियन कराना है। तो वो समझ ही नहीं रही क्या बोल रही है। तो जो बगल में थी उसने फिर नर्स को बोला, ये कह रही कि मुझे सिजेरियन करना है, क्योंकि मुझे ये था कि पहले मैं पेन भी सहूँ, और मुझे ये था कि शायद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होगी नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि हर कोई मुझे कहता था कि हमें नहीं लगता तेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्योंकि मतलब लोग सोचते ना जो थोड़ा सा हेल्दी हो तो हाँ वो शायद फिट होते हैं, उनमें जान होती, पतले लोगों में नहीं जान होती। तो फिर उन्होंने भी मतलब मेरे को नेगेटिव कर रखा था, यहाँ के लोग कहते थे कि हाँ कि ये तो बच्ची सी है, इसकी नहीं होगी नॉर्मल डिलीवरी ऐसे से। तो फिर मतलब उस चीज़ में मैं भी नेगेटिव थी, तो मैं यही सोच रही थी कि इतना पेन भी सहूँ उसके बाद फिर से सिजेरियन होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने बोला कि नहीं मेरी, हाँ मुझे सिजेरियन करना है। तो फिर जब नर्स को समझाया, फिर नर्स आई चेकअप करने, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं कि 15 मिनट बाद हो जाएगा। तो मैंने बोला कि अगर 15 मिनट बाद नहीं हुआ तो, उन्होंने कहा फिर तेरा सिजेरियन करेंगे। तो उसके 15 पर मुझे ये लग रहा था कि नहीं होगा 15 मिनट, क्योंकि मेरे से पहले के जो थे उनका चल ही रहा था वो प्रोसेस। तो फिर जब मैं वहाँ मतलब उसके ठीक 15 मिनट बाद, यानी कि 6 घंटे का था ये प्रोसेस मेरा, तो 15 मिनट बाद वो मेरे को फटाफट से अंदर ले गए। तो जैसे ही अंदर ले गए लेबर रूम में, क्या हुआ, तो जैसे ही वो अंदर ले गए मेरे को लेबर रूम में, और वहाँ पे उन्होंने क्या था कि एक होता है ना कि बच्चा भी मतलब मम्मी तो रहती है प्रोसेस में, और बच्चा भी रहता है, बच्चा भी अपने आप को पुश करने की कोशिश करता है। बट कियारा का केस में था, कियारा बिल्कुल भी कुछ वो नहीं कर रही थी, मतलब अपनी तरफ से कोई वो नहीं कर रही थी, हाँ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। तो फिर जब मेरे को वहाँ लिटाया गया, तो फिर उसके बाद जब नर्स ने ऐसे ऊपर हाथ रख लिया, तो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, मेरे को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो मैंने उसका हाथ ऐसे साइड किया, तो फिर उसने मेरे को बोला कि मैं तेरी हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि बच्चा बिल्कुल मतलब तेरी हेल्प नहीं कर रहा, तो मैं कर रही हूँ। तो फिर मैं थोड़ा सा समझ गई। तो जैसे उसने ऐसे हाथ रखा, तो मतलब एक तो पेन, ऊपर से कोई इस तरीके से हाथ रखे तो सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मेरा मतलब मैं ऐसे होने लगी थी कि मेरे को सांस नहीं आ रही थी, तो मैं बेहोश होने लग गई थी। तो जैसे ही उसने मेरे को, नर्स ने ऐसे ऐसे किया, और जैसे ही उसने मेरे को ऐसे ऑक्सीजन मास्क लगाया, वैसे ही कियारा हो गई। फिर जब कियारा हो गई, तो ऐसे करते हैं वो बच्चे को यहाँ रखते हैं, बट मैं सीरियसली बोल रही हूँ, लोग कहते हैं कि बच्चे को देख के हम पेन वगैरह भूल जाते हैं, बट पता नहीं अब मैं कैसी थी कि मेरे को, मैं नहीं भूल पा रही थी, और मुझे नहीं लगाव हुआ बच्चे से, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, क्योंकि मैं वो पेन नहीं वो कर पा रही थी, और मुझे बहुत ज़्यादा एक वो सी हो जाते ना कि मतलब निराश सी हो गई थी मैं। तो जब उन्होंने कियारा को रखा, तो मैं ऐसे मतलब नहीं हुआ मेरे को कि हाँ मैं पेन भूल जाऊँ। फिर उसके बाद स्टिचेस वगैरह लगाए उन्होंने, जो भी होता है वो भी बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि पता ही आपको स्टिचेस मतलब कोई एनीथीसिया वगैरह तो लगाते नहीं है। तो फिर उसके बाद वो सारा कुछ हुआ, उन्होंने किया कियारा को फिर लेके गए, उन्होंने साफ वगैरह किया हर एक चीज़ें की। और इसी बीच में मतलब मेरे डॉक्टर जो हैं वो भी मुझे देखने आए थे, क्योंकि हालांकि वो बड़े डॉक्टर हैं और ओटी में रहते हैं, बट वो भी इतने अच्छे थे कि उन्हें भी था कि हाँ पता नहीं समझ रही है नहीं समझ रही है क्या है कैसे, तो वो भी मेरे को देखने आए उस टाइम पे। और उसके बाद फिर वो मेरे को दूसरे रूम में लेके गए। जब दूसरे रूम में लेके गए,
तो वहाँ मेरे को हल्का हल्का पेट दर्द हो रहा था, तो फिर आए वो, उन्होंने ऐसे दबाया पेट, पता नहीं क्या किया, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या चीज़ थी, बट उसके बाद फिर मेरा सही हो गया था। तो वहाँ पे उन्होंने कियारा का वेट वगैरह किया, फिर मुझे जहाँ रूम पे मैंने रहना था वहाँ लेके गए। तो वहाँ दो लेडीज़ ऑलरेडी थी, तो मतलब केबिन्स बने हुए थे। जब मैं वहाँ गई तो जब मेरे को बाहर ले जा रहे थे, तो मैं इधर उधर देख रही, राज कहीं दिख ही रहे गायब हो रखे, तो मैं ऐसे देख रही कि राज कहाँ है, हर जगह देख रही। ले गए मेरे को अंदर। अब मेरे मन में यही कि मैं तो अकेली रह गई यहाँ, क्या करूँ मैं, कोई भी नहीं था साथ में। वहाँ जो लेडीज़, जो और भी लेडीज़ थी उनके साथ और लेडीज़ थी, तो वो मेरे को देख रहे कि वो मेरे को बोले, फिर उन्हें भी पता चल गया यहाँ की नहीं है, वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे। मेरा वैसे ही माइंड ख़राब हो रहा, ये तो इतना पेन सह के आई थी, फिर कि कोई भी नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद काफ़ी देर होगी, मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ। फिर बड़ी बड़ी मुश्किल से मैंने उनको समझाया कि, क्योंकि मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, तो मैंने उनसे बोला कि मेरे को फ़ोन दे दो, मुझे अपने हस्बैंड को फ़ोन करना है। जैसे भी समझाया वो, मतलब पहले तो नहीं समझे, पर बाद में समझ गए, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन दिया। तो मैंने रात को फ़ोन किया कि कहाँ हो, तो वो कहते कि मैं घर पे हूँ, मतलब आ रहा हूँ, हॉस्पिटल आ रहा हूँ। मैंने बोला कि बेबी होगी है, तो राज कहते कि इतनी जल्दी कैसे, झूठ बोल रही है। तो उन्होंने तो कहा था कि रात को होगी या तो फिर दिन, मतलब कल सुबह होगी। तो एक्चुअली ये हुआ था, उन्होंने राज को बोला कि तुम घर चले जाओ और हम तुम्हें फ़ोन कर लेंगे, क्योंकि जैसे हमने बताया था कि कोई तैयारी वगैरह कर नहीं रखी थी, और हमने उसी टाइम मतलब 10 या 11 को हमने शिफ्ट किया था नए घर में। अब आपको पता है नए घर में ऑलरेडी इतना कुछ फैला होता है, तो अब फिर राज को ये था कि अब बच्चा घर आएगा तो थोड़ा घर भी सेट होना चाहिए, ऊपर से हॉस्पिटल बैग वगैरह सारा कुछ सेट करके कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ। उसी टाइम राज गए थे, उसी टाइम कियारा हुई थी। तो फिर जब उसके थोड़ी देर बाद राज और मेरी फ्रेंड आ गई, फिर उसके बाद उन्होंने, मतलब मैंने तब तक कियारा को देखा भी नहीं था, क्योंकि माइंड में इतना कुछ चल रहा था। फिर होता ये घर वालों को फ़ोन आए, मैं रोए जा रही, क्योंकि मैं नहीं भूल पा रही थी हर एक चीज़ें, मुझे पता नहीं ऐसा लगता कि मैं पता नहीं कहाँ से आ गई हूँ वापस। तो उसके बाद फिर रात, मतलब रात के कियारा पाँच बजे हुई थी, और रात के 2 बजे मेरा मन हुआ कि हाँ, मतलब कि मैं एक अच्छे उससे कियारा को देखूं रखूं, इस तरीके से हुआ था। तो और कियारा का अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि कियारा बिल्कुल फीड नहीं कर पा रही थी, ना मुझे कराना आ रहा था ना वो कर रही थी। नर्स भी आई थी, उसने सिखाया भी था, बट नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ पे मतलब ये चीज़ मैं बहुत मानती हूँ कि इस चीज़ के लिए मैं लकी मानती हूँ अपने लिए कि काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने मेरी हेल्प करी, चाहे डॉक्टर है चाहे नर्स है। तो वहाँ जो लेडीज़ थी, मुझे नहीं पता उसने कुछ कियारा को दूध पिलाते टाइम कुछ मंत्र वगैरह पता नहीं कुछ बोला उसने, दुआ वगैरह करी, और कियारा हल्का सा, मतलब थोड़ा सा संभल गई, दूध मतलब मुंह चलाने लगी, पिया तो नहीं पर चलाने लगी। तो वो चीज़ होगी। अब ये तो था डिलीवरी तक का स्ट्रगल। मेरा असली स्ट्रगल स्टार्ट होता है डिलीवरी के बाद। डिलीवरी के बाद क्या था, नेक्स्ट डे मैं घर चली गई 5 बजे। जैसे ही घर गई तो मैंने राज को बोला कि अगले दिन, यानी कि तीसरे दिन मैंने राज को बोला कि आप जॉब ज्वाइन कर लो, क्योंकि 9 महीने पहले ही हमारी शादी हुई थी, शादी पे राज एक्स्ट्रा छुट्टी लेके गए थे, तो जो भी छुट्टी कर रहे थे तो उसका पैसे कट रहे थे। फिर मुझे ये था कि अब हमने घर भी अलग ले लिया है, अभी शादी का कर्जा है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैंने कहा मैं अकेले मैनेज कर लूँगी, आप जाओ। राज नहीं चाह रहे थे, बट फिर भी मैंने बोला कि मैं अकेले मैनेज कर लूँगी। तो आप सोच सकते हो अगर तीसरे दिन से मैं घर पे अकेली थी, तो फिर सारी चीज़ें यानी कि मुझे खुद ही करनी थी। फिर तीसरे दिन राज चले गए, उसके बाद बच्चे को देखना, हर एक चीज़ें करनी पड़ी, और मेरे उस प्रोसेस में इतना हो गया अकेले करके कि मेरे स्टिचेस भी मतलब ख़राब हो गए थे, जो स्टिचेस लगे हुए थे वो, मतलब उसने 1.5 महीना लग गया था ठीक होने में, तो वो तो चलो आगे की बात है। उसके बाद 5वें दिन कियारा को, क्योंकि कियारा फीड नहीं कर रही थी प्रॉपर, ना मुझे कराना आ रहा था, इस वजह से कियारा को जॉन्डिस हो गया था। तो 5वें दिन जब हॉस्पिटल गए, तो उसे 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में रख दिया फोटोथेरेपी के लिए, और मुझे भी फिर हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो यानी कि जब कहते हैं कि जिस टाइम पे एक लेडीज़ अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा आराम करती है, उस टाइम पे मेरे लिए सबसे ज़्यादा जितना काम मैंने ज़िंदगी भर नहीं किया उतना काम हो गया था। तो अब हॉस्पिटल में कैसे मेरी देखभाल होती, और अब मैं करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि तब तक कियारा से इतना लगाव हो गया था कि मेरे रो रो के बुरा हाल हो रहा था। मम्मी और भी फ़ोन कर रहे हैं कि रो मत, ये सो कि, मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था।
उसके बाद जब कियारा को ये था कि मतलब डॉक्टर हर 2 घंटे में अब फीड के लिए बुला रहे थे और कियारा तो वैसे ही फीड नहीं कर रही थी, तो वो बीच बीच में रो भी रही थी फिर भी डॉक्टर फ़ोन करके बुला रहे थे क्योंकि रूम बड़ा अच्छा दे रखा था उन्होंने। तो फोटोथेरेपी जब कियारा को दे रहे थे तो फर्स्ट टाइम तो ऐसा हुआ जब मैं वहाँ गई अंदर, तो वहाँ सारे बच्चे ना एक जैसे लग रहे, मैं पहचान ही नहीं पा रही कि कियारा कौन है। और एक बच्चे के तो ना पता नहीं ठंड से थे कि कैसे ऐसे बाल खड़े हो रखे, मैं रोने लगी, मुझे लगा कियारा को पता नहीं क्या हो गया, मुझे लगा ये कियारा है। फिर जब मैंने देखा नाम नूम पढ़े क्योंकि सबकी आंखों में ऐसा कुछ बांधा होता है, उन्होंने सबको डायपर में नंगा रखा होता है, तो मतलब सारे बच्चे एक जैसे ही लग रहे थे न्यूबॉर्न बेबी, तो ये सीन हो गया था वहाँ पे। फिर उसके बाद हर 2 घंटे में बुला रहे थे, तो अब आप समझ सकते 3 दिन में न सोना ना कुछ। और रात को मैंने जॉब के लिए बोला था क्योंकि हॉस्पिटल में एक ही इंसान रह सकते थे और दिन में 2 बजे सिर्फ पापा को मिलने की मतलब इजाज़त दे रहे थे वो एक बार में, नहीं तो वैसे नहीं कर रहे थे। फिर 3 दिन बाद तक 3 दिन तक मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मतलब जो भी वेट गेन किया था मैंने प्रेगनेंसी में सारा एकदम से मेरा लॉस हो गया। फिर घर आने के बाद मेरा यह था कि कियारा जब फीड नहीं ले रही थी, 5वें दिन से मेरा ब्रेस्ट फीड अच्छे से सप्लाई होने लगा था, तो मेरा जो मतलब जब फीड नहीं ले रही थी कियारा तो होता है ना कि मतलब ब्रेस्ट एकदम भर जाती है, तो उसका पेन भी बहुत ज़्यादा होता है और मैं बीमार हो गई, मेरे को बुखार आने लग गया उसके पेन से। और कियारा को जब मैं ज़बरदस्ती पिला रही थी वो भी उससे भी मेरे को पेन हो रहा था, तो मेरे जो फीड मतलब ब्रेस्ट है वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, मतलब कट से लग गए थे। फिर मतलब ब्रेस्ट पंप भी मंगाया बट उससे भी इतना वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर हॉस्पिटल ही गए थे, फिर हॉस्पिटल में जो इलेक्ट्रॉनिक पंप होते हैं उससे फिर ब्रेस्ट फीड निकाली थी, फिर जाके सही हुआ था। और स्टिचेस मेरे ख़राब हो चुके थे, तो ये सारी चीज़ें, और मैंने घर वालों से किसी से भी ये चीज़ें शेयर नहीं करी थी क्योंकि उस टाइम पे मैं शर्माती भी थी। और दूसरी चीज़ मुझे ये था कि अब अकेले ही करना है, ये डिसीजन हमारा था कि यहाँ पे ही होगा तो अब सब कुछ हमें अकेले ही करना है, क्यों घर वालों को परेशान करना। और मैं मतलब उनके सामने ये नहीं चाहती थी कि लोग मेरे को कहे कि हाँ क्यों गई थी फिर बाहर, तो ये चीज़ थी। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मैंने 1-2 महीने में देखा था, मतलब एकदम डिप्रेशन में मैं चली गई थी। तो यही रीज़न है मेरा इस टाइम पे मैं इतनी पॉजिटिव क्यों हूँ, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं अकेली थी मेरे को लैंग्वेज समझ नहीं आता था, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था बच्चे को रखने का, मुझे पता नहीं था कि किस चीज़ की वजह से क्या होता है, किस चीज़ की वजह से क्या नहीं होता है। उस टाइम पे जब मैंने इतने अच्छे से मैनेज कर लिया, भले मैंने अपनी केयर नहीं करी बट कियारा की केयर करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो इस टाइम तो मेरे लिए हर एक चीज़ें बहुत अच्छे से हो सकती है क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है बच्चे पालने का, मुझे एक्सपीरियंस है यहाँ के हॉस्पिटल में किस तरह से, मेरे को लैंग्वेजेस आती है हर एक चीज़ है, तो हॉस्पिटल में भी मैं अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ। मुझे पता है कि क्या गलती मैंने उस टाइम पे करी थी और इस टाइम पे मैंने क्या गलती नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात, इस टाइम होटल जैसे आपको बताया मैंने बंद है तो राज मेरे साथ हैं, तो यानी कि मुझे अभी किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ जब मैं थी तो वहाँ से तो इतना दूर था हमारा कि होटल से और हमारा घर का मतलब 2 घंटे का रास्ता था आने जाने का, तो वहाँ जब मैंने अकेले ये सब मैनेज किया तो इस टाइम तो मुझे हर एक चीज़ बहुत इजी लग रही है, क्योंकि इस टाइम सिर्फ बात यह है कि हाँ कियारा भी छोटी है, तो जहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी तो इस टाइम तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कियारा छोटी है, तो वो तो मैं अच्छे से मैनेज कर लूँगी, बाकी आगे देखेंगे, आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगी कि इतना आसान जो मैं सोच रही हूँ उतना हो सकता है कि नहीं, बट पहले के कंपैरिजन में देखा जाए तो मेरे लिए इस टाइम बहुत आसान लग रहा है कि हाँ मैं कर लूँगी। तो ये था मेरा वीडियो, आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, और आप अब जिस तरह से आप मेरे लिए मतलब चिंता में थे अब नहीं होंगे, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी में जैसी फिक्र आपको अभी मेरी हो रही है उस टाइम पे मेरे घर वालों की थी, जो कि इस डिलीवरी में बिल्कुल नॉर्मल हो रखे, उन्हें पता है कि ये मैनेज कर लेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।